है, मैं कहता हूँ कि मेरी सड़क 8 फुट से 20 फीट हो गई क्योंकि उस सड़क पे जिला अध्यक्ष जी पलटे आते जाते हैं, सिर्फ इसलिए वो सड़क बनाई गई है। और ये अब ये बात कह रहे हैं ये बीजेपी के कार्यशाला में पढ़े हुए अनपढ़ शहर में आप यहाँ से उठा के जाइए, इसी चौराहे से आप तहसील की ओर चले जाइए, मार्केट में आप किसी रास्ते रमई पट्टी की ओर चले जाइए, इनका रोड देख लीजिए, उसके बाद भी इनको शर्म लगेगा तो और देने खाना नंबर 3 पे और देंगे, एक इनको शर्म आएगी तो खाना नंबर 3 पे देंगे। कराया है कि इनको सुबह से शाम तक कोई काम नहीं रहता, यहाँ से लेकर बनारस तक चले जाते हैं लूडो खेलने। मिर्जापुर जिले में आज शाम 5 बजे के बाद चुनावी प्रचार थम गया है, लेकिन चाय की दुकानों पर चुनावी चर्चा अभी भी जारी है। चुनावी चर्चा तब तक जारी रहेगा जब तक मिर्जापुर जिले में मतदान नहीं हो जाएगा। इस वक्त हम भरूना में मौजूद हैं। यह भरूना चौराहा राजनीतिक लिहाज से काफी अहम माना जाता है, यहाँ पर चुनार सहित जिले भर के लोग आके रुकते हैं और यहाँ पर राजनीतिक चर्चाएं भी होती है। इस बार का चुनाव मिर्जापुर के लिहाज से भी काफी अहम है, इतिहास के लिए भी है, क्योंकि यहाँ पर आज तक कोई 3 बार सांसद नहीं बन पाया है। अनुप्रिया पटेल के सामने जहाँ एक बार तीसरी बार सांसद बनने का मौका है, वहीं उनके सामने बीजेपी के भदोही से ही सांसद रहे रमेश चंद बिंद समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हुए उन्हें चुनौती दे रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग हैं, बातचीत करके जानेंगे कि चुनाव में क्या माहौल है और किस तरीके से जनता इस बार मतदान करने के लिए जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतुराज सिंह है। क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है चुनाव में? इस बार चुनाव में माहौल अनुप्रिया जी फिर से तीसरी बार सांसद बन के यहाँ का फिर से रिकॉर्ड 2 बार वाला रिकॉर्ड इस बार तोड़ेंगे सांसद जी, फिर तीसरी बार सांसद बन रहे हैं अनुप्रिया। क्या वजह है कि तीसरी बार सांसद बनने जा रहे हैं? उनका काम उनकी वजह है। काम उनका बिल्कुल क्या काम हुआ है? मेडिकल कॉलेज आप देख लीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेज, रोड, बहुत से ऐसे काम है, गिनती कराऊं तो कम पड़ जाएगा। काम यहाँ पे हुआ है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का जो अभी सेटअप लगने जा रहा है नारायणपुर में। चलिए भैया हमारे साथ। जी नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक पांडे है। क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है? इस बार हर 2 बार की तरह जिस बार हुआ था, इस बार भी अनुप्रिया पटेल जी सांसद होने जा रही है मिर्जापुर का। क्या लग रहा है, क्या वजह है अनुप्रिया पटेल चुनाव जीतने जा रही है? वजह बहुत ही स्पष्ट है कि हम सबसे पहले अगर उनके विकास की बात करें कि वो 2 बार की सांसद हमारे यहाँ मिर्जापुर लोकसभा से रही हैं, तो उसमें उन्होंने काफ़ी हद तक जो पिछली सरकारों की कमियां थी उसको पूरा करने का प्रयास किया गया है। चूँकि प्रयास कर रहे हैं, एक बार में ही सारी चीज़ों को हम पूरा नहीं कर पाएंगे, मगर जिस प्रकार से अभी भाई साहब ने बताया है कि नारायणपुर में एक इंडियन ऑयल की फैक्ट्री लग रही है, तो उससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। और उसके बाद अगर बात करें विश्वविद्यालय की, तो मिर्जापुर में विश्वविद्यालय माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय आपका यहाँ पे बन रहा है। उसके बाद दूसरी अगर बात करें तो मेडिकल कॉलेज जो कि मिर्जापुर के लिए ही बहुत अच्छा है, धीरे धीरे वहाँ पे भी व्यवस्थाएं हो रही हैं, अच्छे डॉक्टरों की नियुक्ति मतलब होने जा रही है, तो निश्चित तौर पे पूरे मिर्जापुर के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है। और विकास की बात करें तो मिर्जापुर में आप रोड की अगर देखें तो चूँकि केंद्रीय मंत्री हैं तो उसमें रोड भी हमारे चौतरफा चाहे जहाँ जाइए रोड पर है। बिजली इस समय अधिकांशतः में ज़्यादा नहीं, लेकिन 18 घंटे बिजली भी मिल रहा है, पानी की व्यवस्थाएं हैं, तो और जनता को जो चाहिए सुकून है, प्रशासनिक व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है, तो हर तरीके से मिर्जापुर की जनता इन सभी को ध्यान में रखते हुए इस बार पुनः कम से कम 1,40,000 से 1,60,000 वोट से अनुप्रिया पटेल सांसद बनने जा रहे हैं, इसमें कोई दाग नहीं। चलिए भैया बोले 1,40,000 वोटों से सांसद बनने जा रही हैं, हमारे साथ भैया हैं, इनसे पूछेंगे कि क्या माहौल है और इस बार जनता क्या करने जा रही है। क्या नाम है भैया? जी मेरा नाम धर्मेश दुबे है। क्या माहौल है? माहौल यही है कि जैसे कि भाजपा एक नारा था 400 पार, उनके 400 पार के नारे और जुमलों से हमारे देश के आप हमारे साथी युवा साथी थे, आप देखेंगे कि उनके जुमलों से ये लोग कितनी प्रभावित है। आप पूरे शहर में घूम के विकास इंडियन ऑयल की फैक्ट्री सॉरी आएगी विकास होगा, अभी देखने को कुछ नहीं है। देखने को आप शहर की किसी सड़कों पर चले जाइए, धूल है, गड्ढे हैं और सिर्फ यहाँ दुर्व्यवस्थाएं हैं और यहाँ सरकार की कोई व्यवस्था नहीं। अनुप्रिया पटेल जी ने जिले के लिए कुछ नहीं कहा है, जिले के लिए उन्होंने सिर्फ कुछ किया है तो यहाँ जातिवाद लाई है
और यहाँ पे अपने लोगों को कैसे, अगर कोई ईमानदार अधिकारी आता तो उसको हटाने की जिम्मेदारी अनुप्रिया जी की होती है। और ऐसे हमारी ये जो बीजेपी के कार्यशाला में पढ़े हुए जो हमारे युवा साथी हैं, इनको देश का विकास सिर्फ अनुप्रिया जी के कार्यालय को देख के, इनको ये पूरे देश और पूरे मिर्जापुर का विकास दिखता है। और आप कहीं भी, आप भी लोकल, अगर कहीं पत्रकार होंगे आप लोकल, किसी भी सड़क किसी भी चले जाए तो कहीं कोई विकास नहीं होगा, निश्चित मैं आपसे वादा करता हूँ। 4 तारीख के बाद यही हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये कहते फिरेंगे कि अनुप्रिया पटेल हारी है, भाजपा थोड़ी हारी है, और इसका आपको मजा मिलेगा। और निश्चित यहाँ से अनुप्रिया पटेल जाने वाली है और यहाँ से पुनः इंडिया गठबंधन की जीत तय है। कैसे मतलब इंडिया गठबंधन की किस तरीके से जीत होने जा रही है? इंडिया गठबंधन की जीत इसलिए यहाँ पे बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ की युवा परेशान है, यहाँ के किसान परेशान है, यहाँ के व्यापारी परेशान है। आप किसी से भी पुल लीजिए, यहाँ एक शास्त्री पुल हुआ करता था कई जनपदों को जोड़ने वाला, जो यहाँ के व्यवसाय के प्रमुख अंग थे, आज उस व्यवसाय से बंद होने, यहाँ ट्रक मालिक और ट्रक के जो व्यापारी हैं वो यहाँ पे बैठ के चाय पानी पे लूडो पे अपना जीवन गुजार रहे हैं। और यहाँ पे सिर्फ बेरोजगारी है, ट्रकें बिक गई, लोगों की कहीं आरसी कट गई, कई लोग दूसरों का पैसा लेके और ट्रक बेच के पैसा नहीं दे रहे हैं, ये स्थिति हो गई है। कोई बैंक का किराएदार है, कर्ज में है, इसलिए यहाँ पे सारी व्यवस्था, यहाँ पे व्यापार कुछ नहीं, यहाँ रोजगार कुछ नहीं, यहाँ सिर्फ विकास के नाम पे छलावा हुआ है। और आपको निश्चित है जनता ने मूड बना लिया है कि 1 तारीख को 3रे नंबर पे बटन दबा के और 1रे नंबर पे लाने का काम और माननीय अनुप्रिया पटेल जी को, बंटी बबली को कानपुर भेजने का काम करेगी। भाई साहब कह रहे कि बड़ा विकास हुआ है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम पाठक है भाई साहब। और वास्तव में जिस प्रकार अनुप्रिया जी मिर्जापुर शहर में आपके विकास की हैं, भाई साहब जैसा बता रहे हैं इंडियन ऑयल अभी तक कुछ कार्य प्रगति पे नहीं है, वो जाके वहाँ घूमें और देखें कितना प्रगति पे है। और मिर्जापुर के सड़कों पे घूमें, मिर्जापुर की सड़कें जी जरूर, मिर्जापुर के सड़कों बिना मास्क के आप चलिए, नहीं नहीं बिल्कुल मिर्जापुर के सड़कों, मिर्जापुर के सड़कों पे घूमें आज, बिल्कुल आज ये ब्राह्मण देवता जो शिशु दुबे जी ने कहा है कि रोड गड्ढा युक्त नहीं हुआ है, पहले इनके यहाँ 8 फुट का चक्रोड था, दुबेपुर इनका घर है, अब इनको 20 फुट का चक्रोड मिल गया है, रोड मिल गया है, पक्की रोड क्योंकि जो हाईवे से लिंक भी हो गया है, और उसके बाद 10 KVA का ट्रांसफार्मर भी दरवाजे पे लग गया है, लेकिन इनके यहाँ कोई सुविधा व्यवस्था नहीं मिल रही है। ये हमारे युवा साथी है और आप जानते हैं कि हमारे बगल के हैं, मैं कहता हूँ कि मेरी सड़क 8 फुट से 20 फीट हो गई क्योंकि उस सड़क पे जिला अध्यक्ष जी पर ले आते जाते हैं, सिर्फ इसलिए वो सड़क बनाई गई है। और ये अब ये बात कह रहे हैं, ये बीजेपी के कार्यशाला में पढ़े हुए अनपढ़, ये सिर्फ बातों को दबाना जानते हैं, रटे रटाए ज्ञान देना चाहते हैं, वास्तविकता से इनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। समाजवादी पार्टी के जो है बहुत झारू नेता है, ये उसका विरोध नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारे सहपाठी जो काम के लिए बोले है, मैं काम की बात करूँ, ये 8 फुट का हम जान रहे हैं, हम इनके गांव के बगल के हैं, 8 फुट का चक्रोड था, आज इनके पास जो है 14 मीटर का वो पक्की सड़क हो गई है, उसके बाद ट्रांसफार्मर भी दरवाजे पे खड़ा हो गया, अब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ लाइन नहीं है, सुविधा नहीं है, रोड नहीं है। ये हमारे मित्र हैं और हमारे साथी हैं, इनका अभी 4 दिन पहले तक खुद समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहे थे और इनके जमीन पे हेलीपैड बना और 45,000 ईंट का इनको फायदा हुआ, इसलिए भाजपा ही बन गए। बिकने वाले लोग, हमको जो है मुआवजा नहीं मिला था, इसलिए हमको कहा गया था सरकार का जो है पीएम, जहां भी पीएम की सभा होती है वो ईटा जो है वो किसानों का हो जाता है, तो हमारे जो हमारे पूरा खानदान परिवार का इसलिए किसानों का हो गया। पहली चीज, दूसरी चीज, ये जो कह रहे हैं कि सरकार इंडिया मैं भी चाहता हूँ कि सरकार इंडिया गठबंधन की बने और मैं शुभकामनाएं और हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ आपको भी और सरकार को भी, लेकिन जो काम कह रहे हैं तो काम तो देखिए हुआ है, हाँ काम तो हुआ है, कॉलेज बन रहा है इनका, इनके यहाँ जो है आमघाट पुल बन रहा है, विंध्याचल कॉरिडोर बन रहा है, पासपोर्ट ऑफिस आ गया है, बरकछा जो है बाईपास हाईवे बन गया है, क्या काम चाहिए इनको, 24 घंटे लाइन मिल रही है, काम क्या चाहिए आपसे? एक ही लाइन में कहना चाहूंगा फिर से, 1,45,000 से 1,60,000 के बीच में जीत होने जा रही है और कुछ कहना ही नहीं। भैया है, हंस रहे हैं, क्या नाम है भैया? क्या नाम है? चलिए बोल नहीं रहे भैया, क्या नाम है? अलीश उपाध्याय नाम है हमारा। क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार भैया? मिर्जापुर का युवा और देश का युवा राष्ट्रहित और धर्महित में वोट करेगा
और हमारे देश के, हमारे मिर्ज़ापुर के, हमारे क्षेत्र के जो लाखों युवा जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं, वो इसलिए नहीं वोट करते हैं कि कल के उन्हें विधायक सांसद बनना है या उनका कोई अपना खुद का स्वार्थ है। वो सिर्फ इसलिए वोट करते हैं भारतीय जनता पार्टी को ताकि उनके देश का, उनके राष्ट्र का, उनके धर्म का, सबका अच्छा हो सके। इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। इस बार भी भारी संख्या में वोट करेंगे और माननीय अनुप्रिया पटेल जी को पुनः सांसद बनाने का काम करेंगे। राष्ट्रहित की बात आपने जी, राष्ट्रहित ऐसा हुआ 2014 के बाद जो है, जो 2014 के पहले नहीं था। राष्ट्रहित, देखिए राष्ट्रहित में आपको बता दें, जैसे कि राष्ट्रहित में क्या होता है कि राष्ट्रहित में आता है कि आदमी को चाहिए क्या। जब किसी भी राष्ट्र का, जब कोई भी आदमी, जब सारे आदमी खुश रहेंगे, वहाँ के लोग खुश रहेंगे, तो फिर राष्ट्रहित अपने आप राष्ट्रहित हो जाएगा। आदमी को चाहिए क्या, खाने के लिए खाना चाहिए, रहने के लिए छत चाहिए और चलने के लिए अच्छी सड़क चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, वो सब तो हमारी सरकार ने उपलब्ध कराया है, तो हुआ ना राष्ट्रहित। मतलब इससे पहले जो है लोग केला का पत्ता लगाते हैं, यही उपलब्ध कराया है कि इनको सुबह से शाम तक कोई काम नहीं रहता, यहाँ से लेकर बनारस तक चले जाते हैं लूडो खेलने, यही सरकार ने इनको व्यवस्था दी। आपको बता रहे हैं जैसे कि देखिए, इनका कहने का मतलब है बेरोजगारी। अब जब हम या आप काबिल रहेंगे तभी आपको रोजगार मिलेगा ना, कि सरकार आएगा हमारे घर पे बोलेगा चलो बाबू रोजगार ले लो, अपने आपको काबिल बनाना पड़ेगा। हम अभी उस काबिल नहीं है, अभी हमको नहीं मिला है रोजगार, इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। जिस दिन हम काबिल होंगे रोजगार हमें मिलेगा, ना तो हमको अखिलेश देंगे रोजगार, ना तो हमको अनुप्रिया पटेल जी देंगे। भैया ये कह रहे हैं कि राष्ट्रहित, राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं मेरे भाई है, अब इनको एक चीज इनसे पूछिए कि रोजगार की जब बात होगी तो क्या है मंदिर जाएंगे, अस्पताल की जब बात होगी तो क्या है मंदिर जाएंगे। सुनिए सुनिए, रोजगार इनको मंदिर में मिलेगा क्या, कटोरा लेके मंदिर में जाएंगे? रोजगार की बात कर रहे हैं, नारायण पुल बता रहे हैं इंडियन ऑयल कौन सा ऑयल का इनको लेके चले, हमको दिखाएं कि कहां इनका ये सब जमीन पे कहीं नहीं है, ये सब केवल हवा में उड़ रहा है। अनुप्रिया पटेल जी अभी ये लोग बताए हैं 1.5 लाख, वही 1.5 लाख से हारने जा रहे हैं, ऐसा पता आप लोग जानिए, बबली बाहरी है बता रहे हैं। समीकरण भी इनका बता देना, 10 साल लेकर आए, बहुत रोड की अभी बता रहे थे कि बहुत नौजवान साथी बताए कि यहाँ रोड बन गया है, शहर में आप यहाँ से उठा के जाइए इसी चौराहे से आप तहसील की ओर चले जाइए, मार्केट में आप किसी रास्ते रमई पट्टी की ओर चले जाइए, इनका रोड देख लीजिए, उसके बाद भी इनको शर्म लगेगा तो ओर देने, खाना नंबर 3 पे ओर देंगे, एक इनको शर्म आएगी तो खाना नंबर 3 पे देंगे। और हाँ, रमेश बिन जी है और इनसे वादा करते हैं वो सांसद बनने के बाद 10 दिनों के बाद जहाँ की रोड कहेंगे मैं उनके साथ बनवाने का काम करूंगा। एक झूठे लोग बता रहे हैं, एक झूठे लोग बता रहे हैं। 15 साल मजवा से विधायक रहे, सपा की सरकार थी, एक अभी दाती मंदवा रोड का मामला चल रहा है, मजवा विधानसभा में आता है, हर चुनाव में बहिष्कार किया जाता है। जब इतने कर्मठ जुझारू थे तो 15 साल में रोड क्यों नहीं बनवा लिए दाती मंदवा का? मजवा में उन्होंने काम बहुत अच्छा किया, वो वन विभाग में आता है, आपको भी पता होगा, पत्रकार साथी है। और सरकार में क्या वो जलकल विभाग में चला गया क्या? नहीं, मेरी बात समझिए, मैं इनको एक मिनट के लिए, मुकेश जी मैं थोड़ा सा इनके इनके सवालों पर आऊंगा। जो अभी ताजा तरीन ये बोले हैं कि रोड खराब है, इनको शायद संज्ञान में नहीं है कि आज जो हर एक आम जनमानस को जो पानी की समुचित व्यवस्था की जा रही है उसी के लिए हर घर जल हर घर नल योजना चालू है, कि आज से नहीं है, ये करीब 3-4 सालों से ये प्रस्तावित चल रहा है और ये बहुत ही अच्छा है। मुकेश जी जिस दिन बन जाएगा स्वयं भाई साहब वहां से उनके घर में नल लगा रहेगा, चूंकि ये बगल के ही है तो आराम से उसकी व्यवस्था हो जाएगी, समुचित एकदम स्वच्छ जल पाएंगे। तो मैं क्योंकि अब उस पर कहना है विकास के नाम पे विकास, आखिर सांसद यहाँ की मिर्जापुर के ये बोले हैं कि इंडियन ऑयल का नहीं है, चूंकि भाई साहब कभी वहाँ पहुंचे नहीं है, मुकेश जी उधर जाते ही नहीं है, तो इनको क्या पता होगा कि इंडियन ऑयल क्या वहाँ पे लग रहा है। वहाँ पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये आने वाले 2 सालों के बाद खुद वहाँ पे सब दिखने लगेगा, उसमें रोजगार बिल्कुल अभी तो आया है। बतौली का पुल, एक मिनट, बतौली का पुल और चुनार का पुल, सरकार किसकी थी, आया कितनी सरकारें उसमें मुकेश जी बीत गई हैं, और ये आधे अधूरे पे सभी पूरी जनता जानते हैं कि कहाँ पे पुल छूटा था, कितने पे, आप भी पत्रकार हैं तो आप भी देखे हैं, लेकिन आधे के बाद उसके बाद जितनी तेजी से उस पे काम लगा के उसको फिर से वहां पे आवागमन चालू कराया गया, ये निश्चित तौर पे इसके लिए मैं
देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और अनुप्रिया पटेल जी को ही इसके लिए मैं श्रेय दूंगा। चलिए भाई साहब हैं, क्या नाम है आपका? नाम शिवम तिवारी है। तिवारी जी, क्या लग रहा है, माहौल क्या है मिर्जापुर? माहौल साफ है कि अनुप्रिया पटेल जी चुनाव जीत रही हैं और भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं अनुप्रिया पटेल जी। जो लोग रमेश बिंद का आज भी जो प्रचार कर समाजवादी पार्टी का, यही लोग आज के 10 साल पहले 500 रमेश बिंद को इतनी गाली देते थे, भगाना चाहते थे कि ये ऐसा है वैसा है, आज लोग उनका प्रचार कर रहे हैं। आप ये समझिए कि अनुप्रिया पटेल लाखों वोटों से चुनाव ये जीत रही हैं, 100% चुनाव जीत रही हैं। बोले लाखों वोटों से चुनाव जीत रहे हैं, भैया कहना चाह रहे थे, आप उनका बयान ले लीजिए। नहीं, क्या लग रहा है कि ये जो कह रहे हैं कि रोड खराब हुई है, तो भाई साहब ने तो बताया है कि रोड किस लिए खराब हुई है। अब हम कह रहे हैं नाली की परियोजना आ गई, तो पहले नाली बना, फिर पानी का आ गया, फिर पानी बन रहा है, फिर अंडरग्राउंड बिजली की व्यवस्था आ गई। तो सरकार जब व्यवस्थाएं दे रही है तो रोड खराब नहीं होगा। ये शहर में रहते हैं हम लोग, तो गांव में रहते हैं, लेकिन गांव में पहले क्या था, बिजली व्यवस्था नहीं थी, इसमें बिजली भी आ रही है। देखिए, मैं चाहता हूँ, मैं प्रचार भी कर रहा हूँ कि मैं रमेश चंद बिंद चुनाव जीते और रमेश चंद बिंद को वोट भी करूँगा, लेकिन सरकार में काम तो हुआ है, अनुप्रिया जी ने काम किया। नहीं, मेरा ये लोकल है, मेरे मजवा के 15 साल विधायक रह चुके हैं, इस विधायक के मतलब मेरे मजवा का भी काम किया है, इसलिए मैं इनको वोट देना चाहता हूँ। दे रहे हैं चाचा जी, मेरा अपील है लोगों से कि इनको वोट दें। क्या नाम है चाचा जी? पैगंबर गुप्ता। क्या लग रहा है, क्या माहौल है अनुप्रिया पटेल? क्या वजह है अनुप्रिया पटेल चुनाव? काम अच्छा हुआ है, नाली, लाइट, पानी, सड़क, रोड, काम अच्छा हुआ है। काम अच्छा हुआ है और आगे भी होएगा। चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ, इधर सबसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? विवेक पांडे मेरा नाम है। बकाया तो अनुप्रिया जी यहाँ से जीत रही है, एक तरफा माहौल के साथ। पहले मनीष त्रिपाठी का कुछ अक्षर था कि जीतने वाले हैं, लेकिन ब्राह्मण ने मूड बना लिया कि इससे बढ़िया है कि बाहरी को लाओ, क्योंकि पढ़ी लिखी सांसद है हमारे मिर्जापुर जिले की, और ये तो अनपढ़ आ गए हैं जिनको बोलने तक का तमीज नहीं है किस तरीके से बात किया जाता है। वो तो संसद में जाने के बाद आवाज़ उठाएंगे कि किस तरीके से हमें बात करना है, और विकास के लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट देंगे किस तरीके से बात करना है, और जो जिसको बोलने तक का तमीज नहीं है वो कैसे सांसद यहाँ कैसे बन जाएगा। और इनकी बात पे एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर वो, मेरा नाम अंबू शुक्ला है, अगर वो अनपढ़ है तो आप ही के विधानसभा से 3 बार विधायक, पहले मेरी बात सुनिए आप, वो आप ही के विधानसभा से 3 बार के विधायक और वर्तमान में भदोही के सांसद है, अगर वो अनपढ़ है तो मतलब आपकी जनता, आप क्या है, आप अपने आप को क्या समझते हैं? वो अनपढ़ है और जो हमारी सरकार यानी बनने वाली है यहाँ पे, इसलिए उनका बीजेपी की सरकार बनने वाली है, इसलिए वहाँ से टिकट काट दी, क्योंकि उनके बिहेवियर को देख ली, इसलिए उनको टिकट नहीं दिया गया, क्योंकि वो अनपढ़ व्यक्ति थे, इसलिए काटा गया। 15 साल से सुनिए, 15 साल से उनको मायावती ने ढोया, ठीक है, ओबीसी एससी के वोटों पे वो लड़ने वाले आदमी हैं और उसी पे राजनीति करते हैं। जनरल कास्ट का जो प्रत्याशी है हमारी अनुप्रिया पटेल जी, वो इस जनरल कास्ट की है, ओबीसी है, ओबीसी कास्ट की है, लेकिन जनरल सीट से वो बिलोंग करती हैं कि जनरल सीट हमें मिलेगी, और ब्राह्मण और ठाकुर उनके साथ लगे होते हैं। भैया भी है, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा, मनीष तिवारी जिंदाबाद, मनीष तिवारी जी 2 लाख वोटों चुनाव यहाँ जीत रहे हैं। मनीष तिवारी का खुद सपोर्ट है अनुप्रिया जी के साथ, ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये हो सकता है अंदर की जानकारी इनको ज्यादा हो, ठीक है। अनुप्रिया भैया है हमारे साथ, क्या नाम है भैया आपका? ऋषि शुक्ला। मिर्जापुर में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी लगभग 1.5 लाख वोटों से विजयी होने जा रहे हैं। योगी मोदी की सरकार ने पूरे मिर्जापुर जनपद में योगी मोदी की सरकार ने एक अखिलेश यादव के सारे कार्यों को शिलान्यास करके, उद्घाटन करके, उसका नाम चेंज करवाने के अलावा और कोई काम नहीं किया है। काम अगर योगी मोदी सरकार में किसी ने किया है तो माननीय नितिन गडकरी जी ने किया है। NHI हर जगह, सिर्फ और सिर्फ NHI बना है, हाँ नहीं बीजेपी से बने हैं, लेकिन उनके अलावा अगर कहे माननीय अनुप्रिया पटेल जी ने कोई काम किया है तो आज रमई पट्टी से कनौरा घाट, मतलब परापुर वाली रोड उठा के देख लीजिए, यहाँ आपका परड़ी से लेके कौन सा धाम है वहाँ पे चंडिका धाम, ये लिंक रोड देख लीजिए, और यही लिंक रोड नहीं, मैं मिर्जापुर जनपद की तमाम रोडों को मैं किसी भी लिंक रोड पे देख लीजिए, अगर काम बना हो
काम हुआ हो? बिल्कुल हुआ, क्यों कहिए नहीं, कहीं नहीं हुआ। भाई साहब क्या क्या कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल क्या हुआ, मैं आपको बताऊं। ये लोग कई लिंक रोड है जो नहीं बना है। ये देखिए, ये लोग नेगेटिव, ये लोग नेगेटिव सोच रखने वाले लोग हैं। पूरे मिर्जापुर में जितना भी रोड, जितना भी विकास हुआ है, ये टॉर्च लेकर के गए और वही रोडों को देखे जिसमें गड्ढे हो। इनको बाकी अच्छे हाईवे नहीं दिखे, अच्छे रोड नहीं दिखे, इनको इनको बस वही दिखे। और क्या हुआ क्या, हमारी सरकार ने पिछले 10 साल में इनके जो 50-60 सालों के गड्ढे थे रोडों में, उनको भरने का काम किया है। तो इतने गड्ढे के, जो 50 साल का गड्ढा है उसको भरने में कम से कम 10 से 15 साल तो लग ही जाएगा ना। कोई सरकार क्यों नहीं आई? ये जो इतने लोग वोट दिए हैं उनको दिखा होगा ना कि 25 वोट दिए हैं। क्या कह रहे हैं, अगर 60 साल पहले देश आजाद हुआ था, जब उस समय देश के पास क्या था, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, अगर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने आपको कुछ नहीं दिया है, तो सुई से लेके हेलीकॉप्टर तक बनवाने का काम अपने बप्पा और दादी से पूछे, कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस सरकार ने किया है। कांग्रेस सरकार ने किया है, यही कांग्रेस सरकार की, यही कांग्रेस की सरकार थी कि हमारे देश के सेना के जवानों का सर काट करके फुटबॉल खेला जाता था। आज यही बीजेपी की गवर्नमेंट है कि जा करके घर में घुस के मार के आ रही है, लूटने का काम की। ये बहुत आज कांग्रेस सरकार के अभी बता रहे थे कि सामान पुलवामा में क्या हुआ, ये बीजेपी के प्रवक्ता साहब है, पुलवामा में क्या हुआ बता दें। इनके पास जमीन पे कोई काम नहीं है, बस चट्टी चौराहे डिबेट करना होगा तो केवल गलत मुद्दों पे करेंगे, गलत कश्मीर पे करेंगे, इंडिया करेंगे, नौजवानों के लिए रोजगार की बात नहीं करेंगे, और स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे। ये लोग हिंदू और मुसलमान की बात करेंगे, ये लोग हिंदू और मुसलमान की बात करेंगे। ये लोग 1.5 लाख से हारने जा रहे हैं, इन लोग को घबराहट है, इतना घबराहट है भाई जी, मुख्यालय से देखिए, मुख्यालय से 4 किलोमीटर बगल में मेरा गांव है मसारी, जिसके लिए मैंने अनुप्रिया पटेल को 2-3 बार ज्ञापन दिया, डीएफ साहब को ज्ञापन दिया, आप लोग भी मौजूद थे वहाँ पे कलेक्टर परिसर में, लेकिन कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई, यही इनकी नाकामी को दर्शाता है। बता रहे भैया, शिकायत विकायत करने के बावजूद काम नहीं हुआ, आप कहने बहुत बढ़िया काम किया है भैया, बहुत बढ़िया। मैंने आपको क्या बोला, ये लोग सिर्फ नेगेटिव सोच वाले लोग हैं, ये सिर्फ वहीं पे जा रहे हैं जहाँ जहाँ पे इनको नेगेटिविटी दिख रही है, इनको सारे अच्छे काम इनको नहीं दिखे। आज भी मिर्जापुर के आसपास रहने वाले गांव में लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे वो शहर में रहते हैं, इतना बढ़िया वहां के लिंक रोड बन गए। पूछिए इनसे, पूछिए हमारे बड़े भाई, ये झूठे लोग हैं, बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हैं लेकिन इनका काम बहुत घिनौना है। समस्या हमारा है, उसका वीडियो है, रिकॉर्डिंग है, मैंने कई बार ज्ञापन, सड़क का समस्या है मेरे गाँव का, उसके लिए कई बार ज्ञापन दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ भैया, थोड़ा सा एक मिनट, इनका घर इनका भारतीय जनता पार्टी के झूठे लोग हैं, जो प्रभु श्री राम के नाम पे दलाली खाने वाले लोग हैं, ये सिर्फ राम के नाम पे देश। जी जी बताइए, आप देखिए, आप लोगों ने कहा, अब ये जवाब दे रहे हैं, आप लोग भी सुनिएगा तब जवाब दीजिएगा। ये कहना है राम राम जितना पराया माल अपना, ये अच्छा है, इसी बहाने पहले सबसे बड़े बधाई देना चाहता हूँ अपने मित्र को कि कम से कम इसी बहाने राम राम का ऊंची आप किए हैं, बहुत अच्छा किया है। आप बताइए, इन्होंने कहा कि चंदा में चोरी हुआ है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये कह रहे हैं चंदा में चोरी हुआ है, तो इसके पहले इनकी ही सरकारें और गठबंधन कई सरकारें थी वहां पे, तो मैं पूछना चाहता हूं इसके पहले मंदिर क्यों नहीं बना और फैसला क्यों नहीं आया, आखिर वो फैसला अब क्यों आया, मंदिर आपका बन के भव्य तैयार है, इनको खुशी होना चाहिए। रोजगार की बात की है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अयोध्या में जाइए राम मंदिर में, वहां पे कितने लोगों को उस मंदिर को जैसे रोजगार मिलने जा रहा है, इनको इसका आंकड़ा नहीं पता है मुकेश जी। देश हित, मैं यहाँ पे अभी तक पूरे डिबेट में मैं राम मंदिर और इसको अलग करके इनको विकास बताया है, रोड हो, बिजली हो, पानी हो, आराम से आज घर में रह रहे हैं, यहीं रात में 8 घंटे, रात 8 घंटे, दिन में बिजली आती थी,
और ये इसको कैसे भूल पाएंगे। आज कोई टाइमिंग नहीं है, बिजली है जब जरूरत है, नहीं तो इन्वर्टर है, वो लाइट की अभाव ही नहीं व्यक्त हो रहा है लाइट। और मोदी जी की सरकार ने अभी एक योजना भी लाए हैं, वो उससे जनता को खुद पैसा मिलेगा, ये सोलर पैनल वाला सिस्टम। क्या विकास चाहिए और लोगों को क्या विकास चाहिए। हाँ, एक चीज नहीं हो सकता है, वो सबसे बड़ी बात जो बोलने जा रहा हूँ, व्यक्तिगत विकास नहीं हो पाएगा, व्यक्तिगत विकास नहीं होगा। इनका कहना है, इनसे पूछिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड जो अभी चल रहा था मीडिया में, सबसे ज्यादा चंदा कहाँ से आया है? इलेक्ट्रल बॉन्ड इनसे पूछिए क्या है, इलेक्ट्रल बॉन्ड में जहाँ से चंदा ये लोग लिए हैं, इनसे पूछिए, भैंस काटने वाला टक्का ये सब ले लिए है, कफन 18% ये लोग कफन पे ले लिए है, ये लोग राम मंदिर के नाम पे कई लोगों से ले लिए हैं, पाकिस्तान से भी पैसा ले लिए हैं ये लोग, बताएं ना। जब जारी हुआ तो ये लोग नया मुद्दा ला दिए उसके, ये लोग को चुनाव में जब ये लोग फंसते हैं तो नया मुद्दा ला देते हैं। क्या कह रहे हैं भैया, क्या कह रहे हैं, विपक्षी बौखलाए हुए हैं। इनके पास राम मंदिर का पहले मुद्दा था, अब वो बन के तैयार है, अब इनसे पच नहीं रहा। मुकेश जी, आने वाला समय जो है कृष्ण मंदिर बन जाएगा, उसके बाद भी फिर एक नया मुद्दा इनके लिए हम लोग ला रहे हैं, कृष्ण मंदिर पे बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पे वो भी कॉरिडोर बनने जा रहा है बहुत जल्द। भैया क्या नाम है आपका? चंदन सिंह। क्या लग रहा है चंदन भाई, क्या माहौल है? हम लोग तीसरी बार सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनाने जा रहे हैं, विपक्ष जो है वो बौखला गया है, अब की बार 400 पार के नारे को साकार करेंगे, और तीसरी बार गठबंधन की जो हमारी सरकार चल रही है, जो यहाँ के तीसरी बार सांसद बनने फिर से जा रहे हैं प्रचंड बहुमत के साथ, 3 लाख के पार। चलिए, हमारे साथ यहाँ पे चर्चा करने के लिए काफी लोग थे, चर्चा अगर होती रहेगी तो चर्चा कभी खत्म नहीं होने वाली है, लेकिन यहाँ पर बातचीत से यही लग रहा है कि लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है। 1 जून को जनता वोट करने जा रही है, और एक बड़ी जानकारी यह है कि यहाँ पर लगभग 50% वोटर पूरी तरीके से साइलेंट हो गए हैं, इसलिए अभी माहौल भांप पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन लोगों से बातचीत करके बस एक ही चीज़ निकल के सामने आ रहा है कि लड़ाई दिलचस्प है। लड़ाई इसलिए दिलचस्प है कि इसमें विकास का मुद्दा दब चुका है, यहाँ पर जातीय समीकरण जिनको साधते हुए जो आगे जाएगा, जो समीकरण अंतिम समय तक बना पाएगा, वही चुनाव में जीत हासिल करेगा। मिर्जापुर से कैमरा पर्सन प्रमोद तिवारी के साथ मुकेश पांडे की रिपोर्ट।